हे गाइस, क्या हाल है भाई। तो फिर से एक नई वीडियो में सभी का स्वागत है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम करेंगे ड्रोनचर V2 का रिव्यू, जो कि मेरे पास है ये। और ये काफ़ी मस्त सा बेब्लेड है भाइयों, कुछ भी कहो इसको, लेकिन मेरे को ये बहुत ज़्यादा ही पसंद है। ओके गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने कल अनबॉक्सिंग करी थी लोट की, तो भाइयों उसमें मैंने बोला था फ्री लॉन्चर मैं दे देता हूँ। तो उसका मतलब ये नहीं था कि मैं कोई भी आ जाएगा उसको फ्री लॉन्चर दे दूंगा। भाई मैंने अच्छे से सुना करो यार, उसमें मैंने बोला था कि जो बेब्लेड परचेज करेगा उसको फ्री में दे देते हैं, यानी कि पहले परचेज करना होगा भाइयों। तो मतलब थोड़ा सा समझो यार, मेरे को इतने मैसेज आए हैं ना कि फ्री दे दो फ्री दे दो। यार मैं पहले से ही खिलाफ हूँ फ्री के, तो इसके लिए मत बोलो यार, ठीक है। और कुछ रूल्स और हैं, जैसे आईबी स्टोर पर जाओगे तो वहाँ पे जो कैटलॉग में होगा सिर्फ वही, उसी के बारे में पूछना, उसके अलावा जो भी पूछोगे रिप्लाई नहीं आएगा भाइयों। और ये मेरा समझ के मतलब बात मत करा करो कि भाई मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं बात कर रहा होता, मेरा जो मैनेजर है वो बात करता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे अलग अलग कैटलॉग मत पूछा करो, क्योंकि उसको पता भी नहीं होता, ठीक है। और मैं संभाल नहीं पाता क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा यार यहाँ वहाँ भटकता रहता हूँ, भटकता तो क्या रहता हूँ, काम करता रहता हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये मैं थोड़ा सा बता रहा था, अपडेट दे रहा था। तो चलो अभी इसकी देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। पहले तो इस पे आज के ओवरव्यू पे आ जाते हैं, जो कि काफ़ी शानदार सा है। ये ब्लू का इसका फ्रेम है, जो कि सेंटर कुछ फ्रेम का नाम है इसका, ऐसा ही कुछ होगा। और डिस्क मिलती है इसमें हमको, जीरो डिस्क, नाइस, काफ़ी हैवी है, इतनी भी हैवी नहीं है, बट हमको रिबूट ड्राइवर भी मिलता है साथ में। और साथ में दोनों मिलके काफ़ी मस्त सा चीज़ बना देते हैं और ड्रोनचर को बना देते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा। चलो भाइयों इसकी थोड़ी सी टेस्ट स्पिन करेंगे, फिर कुछ बेब्लेड से फाइट करेंगे और देखेंगे ड्रोनचर कितना स्ट्रॉन्ग है। तो ठीक है गाइस, इसकी करते हैं अभी टेस्ट स्पिन। चलो 3 2 1 हो जाए शुरू। नाइस, सेम वही रिबूट ड्राइवर जैसे चलता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्टेमिना की तरफ ध्यान रहता है, उसके बाद में हो जाता है अग्रेसिव, जैसे कि अभी देखो। वैसे होगा नहीं, जब कोई बेब्लेड टक्कर मारेगा उसके बाद में थोड़ा सा अग्रेशन दिखाएगा ये, तो ऐसा कुछ सीन है इसका, ठीक है। और हाँ गाइस, हाथ जोड़ के विनती है भाई, कमेंट्स में भी मत बोला करो कि भाई फ्री बेब्लेड दे दो। यार मैं इतनी बार बोल चुका हूँ, मैं फ्री किसी को भी नहीं दूंगा भाई। खुद सोचो यार, इतनी मेहनत से कोई परचेज करता है, सस्ते वस्ते तो आते नहीं है ये, और आप लोग कह देते हो फ्री। इतना YouTube पैसा नहीं देता यार कि हम फ्री में बांटते फिरें, थोड़ा सा समझो भाइयो, ठीक है। ओके, तो इसकी करते हैं अभी वेलक्री से, जेनेसिस वेलट्रैक से। ये क्या है भाई, जेनेसिस वेलट्रैक में एक्सकैलिए इसका डिस्क क्या कर रहा है, ये कैसे हो गया, जो भी है छोड़ो। अरे यार चचा, लेट्स सी क्या रहता है अभी। ड्रोनचर क्या जीत पाएगा वेलक्री से, मेरे को नहीं लगता, बट देखते हैं। अरे हाँ जीत जाएगा बिल्कुल आराम से, इनको तो ड्यूअल लॉन्च करना पड़ेगा तब जाके कुछ बात बनेगी। ओके ड्रोनचर जीत गया आराम से। ओके उसके बाद आ जाते हैं हम हेल करबियस पे, इसको देखते हैं क्या दिक्कत है इसको। यार ड्राइवर तो बैरिंग है इसमें, बैरिंग नहीं है ये, कुछ दूसरा ड्राइवर है, बट है तो कुछ तो है, ऐसे तो नहीं करना चाहिए जैसे वो कर रहा है, देखना अग्रेसिव दिखा रहा है भाई, अपनी अपनी पावर दिखाते हुए। हेजर्ड कर बियस, नहीं हेजर्ड नहीं, हिडिस कर बियस। और हार गया ड्रोनचर इससे, अरे चिचा इससे हार गए यार ड्रोनचर भाई, इतनी बेइज्जती नहीं सहेंगे हम, दोबारा करेंगे। 3 2 1 होता है शुरू। अभी इसका वेट भी देख लेते हैं। ओके दोस्तों, ड्रोनचर को बहुत बुरी तरह से हरा दिया है हिडिस ने, यो नाइस, मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, बट हरा दिया तो क्या कर सकते हैं। अब इसका वेट देख लेते हैं कितना है। इसका वेट है 48 ग्राम्स, नाइस, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, बट प्लास्टिक जन में इतना कुछ नहीं कर पाते ये लोग, यहाँ पे ज़रूर कर सकते हैं हम, यहाँ पे प्लास्टिक का है वो भर देंगे 3D प्रिंटेड प्लास्टिक, तो शायद थोड़ा सा वेट बढ़ जाए इसका, 2-3 ग्राम ही बढ़ेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, 50 के आसपास हो जाएगा भाई वो, ठीक है। लेफ्ट स्पिन स्प्रिगन रक्रियम, इससे करते हैं अभी। 3 2 1 हो जाए शुरू। 3 2 1 हो जाए शुरू।
कम ऑन रोंजर भाई, सबसे नहीं हारना यार, बेइज्जती मत कराओ यार भाई। यार टीटी वाला प्लास्टिक जेन को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं बनाता जितना मेटल फाइट को बना दिया भाई। सच में बड़ी बहुत ज़्यादा कंप्लेन है यार। बेबलेट एक्स में भी बनाया है इन्होंने ड्रोंजर, कमाल की बात है। इन्होंने ड्रोंजर पहले बनाया ड्रैगून से, खतरनाक चीज़ है यार ये तो। ओके जीत गया भाई, नाइस। हाँ मैं कह रहा था बेबलेट एक्स में भी ड्रोंजर आ रहा है गाइस, यानी कि काफ़ी मज़ा आ जाएगा। और वो मेरे को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है सच बताऊँ तो, क्योंकि उसमें मेटल काफ़ी मस्त वाला यूज़ किया गया है। अगर उसकी लुक्स देखो तो भाई काफ़ी ज़्यादा मस्त है वो। 3-2-1 हो जाए शुरू। और एक चीज़ और है गाइस, अरे भाई इतनी बुरी तरह से मार दिया यार अखिलेश को, अरे फेंक दिया यार अखिलेश को यार, ये अलग था यार। अच्छा मैं कह रहा था कि ड्रोंजर जो एक्स सीरीज में आ रहा है उसका कुछ अलग से मैकेनिज्म है, जैसे जो एक्स सीरीज का लॉन्चर है वो भी अलग सही है। इसमें हमको ये दो मिलते हैं ना, एक्स सीरीज में ये तीन है, और मेटल फाइट वाला हुक है उसमें जो मेटल फाइट बेब्लेट्स में होता है वो वाला है, लेकिन तीन है वो। मुझे नहीं पता कितना ड्यूरेबल होगा वो, क्योंकि तीन में अगर लॉन्चर फंस गया तो टूट सकता है जहाँ तक मुझे लगता है, बट देखते हैं। आने दो भाई, हो करेंगे रिव्यू जल्दी ही। ओके अब करते हैं किससे करें कैरिस सेटन, इससे करते हैं काइनेटिक स्टोम। इन 3 and 2 and 1, अरे यार ये फंसता ही नहीं है यार, बहुत बेकार। एक मिनट यार, इनमें इतनी आराम से चला जाता है लॉन्चर, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है। अबे चलो इस बार गया, और इस बार बाहर से अंदर भेज दिया मैंने, देखते हैं क्या जीत पाएगा काइनेटिक से। जीत जाएगा भाई, इससे तो आराम से जीत जाएगा, नहीं मुश्किल है कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ओ हार गया, अरे यार दोबारा करेंगे, बाहर नहीं जाता तो जीत जाता। कम ऑन रोंजर, फिर से बाहर गया यार ये, क्यों जाता है ये बाहर। काइनेटिक स्टोम स्टेबल नहीं है यार, क्यों पता नहीं, लेकिन स्टेबल तो नहीं है। कम ऑन भाई, ये अग्रेसिव बेब्लेड नहीं है यार, क्यों भाई क्यों क्यों टकाराटोमी इतना क्यों बेकार बनाते हो यार प्लास्टिक जेन वालों को यार। मतलब ठीक है, नहीं पसंद है, मतलब क्या ही बोलें यार, बहुत ही गलत करते हैं यार टीटी वाले प्लास्टिक जेन वालों के साथ, तो सच में हद से ज़्यादा गलत करते हैं। ओके गाइस करते हैं भाई फाइट, देखते हैं क्या रहता है। नाइस। इसके अंदर वोल्केनिक ड्राइवर डला हुआ है इसलिए इतना उछल रहा है। और कमाल की बात है अगर वोल्केनिक ड्राइवर का भी स्टेमिना इससे ज़्यादा हो गया तो ये बिल्कुल ही रद्दी बेब्लेड है भाई, मैं कहूँगा ये बिल्कुल ही रद्दी है, क्योंकि भाई इसमें रिबोट ड्राइवर है फिर भी ये इससे कम स्टेमिना इसमें। नाइस, खतरनाक चीज़ है भाई ये तो, पहली बार देख रहा हूँ मैं, पर जो भी है यार क्या बोलें अब। ड्रोंजर को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, कम ऑन ड्रोंजर, अरे यार पेगासस के सामने ड्रोंजर का कोई मुकाबला नहीं है, बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है गाइस, जीरो मुकाबला। फिर से करेंगे, इस बार पेगासस को पहले लॉन्च करते हैं, इसको बाद में लॉन्च करेंगे। कमाल की बात एक है जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है, अभी तक बर्स्ट नहीं हुआ है वो। मैंने हैवी बेब्लेड्स लिए भी नहीं है इसके लिए, मैं नहीं चाहता बस देखना इसका बट मैं इसको जीतना भी देखना चाहता था, जीत नहीं पाया इतने बेब्लेड से। 50-50 का रेशियो है, 50 का भी नहीं है गाइस, वैसे कोई 2-3 बेब्लेड से जीता है ये। नाइस, पेगासस से तो कोई सवाल ही नहीं उठता दोस्तों। उसके बाद आ जाता है एस ड्रैगन, इससे कर लेते हैं। लेट्स सी एस ड्रैगन वर्सेस ड्रोंजर, 3-2-1 हो जाए शुरू। कम ऑन ड्रोंजर, तो थोड़ा दे, क्या लगता है दोस्तों क्या ड्रोंजर जीत पाएगा एस ड्रैगन से। उसके बाद हम करेंगे किससे करें। ओ हार गया भाई, हद हो गई। हम करते हैं भाई डिवाइन बेलियल से, परफेक्ट वाले। चलो डिवाइन बेलियल दिखा दे जलवा, मैंने अभी तक किसी डीबी वाले से नहीं किया था लेकिन अब कर रहे हैं। ये ब्रो डिवाइन अलग लेवल का बेब्लेड है, लेट्स सी बर्स्ट कर पाएगा डिवाइन इसको।
बास करना ही जीता माना जाएगा डिवाइन से, तो क्योंकि डिवाइन डीवी बेबलेट है यार, इसको तो बस्ट करना चाहिए। अरे तोते उड़ा दे, नहीं उड़ गए गाइस, इसी के तोते उड़ गए हैं, नहीं कर पाया बस्ट, लेकिन बुरी तरह से फेंक के जरूर मारा है डिवाइन ने। डिवाइन का ड्राइवर मस्त है ये भी, लेकिन ये बैरिंग जैसा नहीं लग रहा मेरे को। हाँ है, थोड़ा थोड़ा बैरिंग का अपग्रेडेड वर्जन है गाइस ये, देखो अगर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया तो नहीं घूमेगा, लेकिन सीधा घुमाओगे तो बिल्कुल मस्त घूमेगा ये, बैरिंग से भी अच्छा। टेढ़ा होते ही थोड़ा सा मोमेंटम ख़त्म हो जाता है इसका, बैरिंग पे दिक्कत हो जाती होगी। ओके गाइस, तो ये थी आज की वीडियो, बताओ कैसी लगी, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके।